आज मेरी वीडियो कक्षा 12 में लॉजिक गेट एवं तर्क द्वार से संबंधित रहने वाली है, जिसमें आप उसके प्रत्येक बूलियन व्यंजक और सतत सारणी को देखेंगे। तो देख लेते हैं, मेरा टॉपिक्स है लॉजिक गेट अथवा तर्क द्वार, ऐसे डिजिटल प्रपत्र जो इनपुट एवं आउटपुट सिग्नलों के बीच तर्कसंग संबंध पर आधारित होते हैं वो आपके लॉजिक गेट कहलाते हैं। लॉजिक गेट के प्रकार की बात करते हैं तो मूल रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट पर हम बात करते हैं और गेट की, नंबर सेकंड एंड गेट, और नंबर थर्ड जो होता है आपका नॉट गेट। सबसे पहले बात करते हैं और गेट के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसी युक्ति जिसमें दो या दो से अधिक इनपुट वेरिएबल यानी उनके नाम ए ओ बी तथा एक आउटपुट वेरिएबल वाई होता है। बात करते हैं इसकी बूलियन व्यंजक की, तो बूलियन व्यंजक इसका होता है ए प्लस बी इजकल टू वाई। अगर बात करते हैं इसकी प्रतीक, तो इसका प्रतीक ये होता है। सतत सारणी के लिए बात करते हैं तो इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट होते हैं। तो इनपुट हमारा देखिए ए है, तो उसकी जो 0011 हो गया। बी की बात करते हैं 0101 होता है, और ये y में जो है a प्लस बी। अब दोनों का सम कर लेंगे तो 0 में 0 ऐड करा 0 हो गया, 0 में 1 ऐड किया ये 1 हो गया, 1 में 0 ऐड किया 1 हो गया, 1 में 1 ऐड किया 10 होता है, लेकिन हम 1 लिखते हैं। सेकंड गेट की बात करते हैं एंड गेट। इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसी युक्ति जो टू इनपुट एंड 1 आउटपुट से मिलकर बनता है, जिसमें दो इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। तो इसका बूलियन व्यंजक की बात करते हैं ए डॉट बी इजकल टू वाई। अब प्रतीक की बात करते हैं तो यहाँ इसका प्रतीक इस प्रकार से दिया गया है। बात करते हैं सतत सारणी की, इसमें दो इनपुट आपके ए बी हैं और एक जो है आउटपुट वाई है, तो इसकी वैल्यू 0011 होंगी। बी की बात करते हैं 0101 और वाई जो है ए डॉट बी। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है तो 0 में 0 की प्रोडक्ट करते हैं 0 होगा, 0 में 1 की प्रोडक्ट करेंगे 0 होगा, 1 की 0 में प्रोडक्ट करेंगे 1 होगा, और 1 की 1 में प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं सबसे लास्ट नॉट गेट। तो नॉट गेट कहता है कि ऐसी युक्ति जिसमें 1 इनपुट व 1 आउटपुट होता है। बूलियन व्यंजक की बच्चों अगर बात करते हैं तो यहाँ ए बार इजगल टू वाई, यानी वाई का जो मान यानी ए के मान को हम उल्टा कर देंगे, तो यहाँ इसके प्रतीक बात दिया हुआ है। सत्तर सारणी की बात करते हैं तो यहाँ बूलियन जो हमारा इनपुट ए है उसकी वैल्यू 0 1 होंगी, वाई जो है मैंने बताया ए बार यानी ए बार वाले मानों को उल्टा कर देंगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे और ये 0 लिख देंगे। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।